क्यों पवन सिंह नहीं कर रहे हैं निरहुआ को प्रमोट? जी हाँ, तो निरहुआ के चुनावी रैलियों में पवन सिंह नहीं जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। ये बात अब जग जाहिर हो गई है। इसके पीछे का रीजन सामने आ चुका है। आपको बता दें कि पवन सिंह के गहरे मित्र हैं अखिलेश यादव। जी हाँ, अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं पवन सिंह का गहरा ताल्लुक है और वो नहीं चाहते कि चुनावी रैलियों में इस तरह से वो दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रचार प्रसार करके अखिलेश यादव को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई जानता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग को कैरी करते हैं। और इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग अगर पवन सिंह कैरी करते हैं तो भाई क्यों दिनेश लाल यादव निरहुआ का सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं? वैसे आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए पवन सिंह ने हमेशा एक अच्छा गेस्चर छोड़ा है। उनका कहना है कि दिनेश उनके बड़े भाई की तौर पर हैं और वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो भारी मतों से जीते, लेकिन जब प्रचार करने की बारी आती है तो पवन सिंह कहीं अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि पवन सिंह का मानना है कि कलाकारों की कोई जात नहीं होती और वैसे भी कलाकार सभी के लिए समान है। भले ही पवन सिंह भाजपा के नेता है, ठीक उसी तरह निरहुआ भी भाजपा के नेता है, लेकिन ये बात और है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और अब ऐसे में अगर पवन सिंह का साथ निरहुआ को मिल जाता है तो ये सोने पे सुहागा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं निरहुआ भी एक कलाकार की मर्यादा को जानते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने पवन सिंह से इंसिस्ट भी नहीं कि वो उनके चुनाव प्रचार में प्रचार प्रसार करें। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो दिनेश लाल यादव निरहुआ को किसी के प्रचार प्रसार की खुद ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भोजपुरी के एक बहुत बड़े कलाकार हैं और साथ ही साथ उन्हें योगी आदित्यनाथ का साथ मिला हुआ है। लेकिन पवन सिंह का इस तरह से दिनेश लाल यादव निरहुआ को न सपोर्ट करने का कारण भी अब धीरे धीरे ही सही लोगों के समक्ष आ रहा है कि उनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, फिर वो चाहे एक कलाकार के रूप में हो या नेता के रूप में हो। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।